जम्मू के सरवाल हॉस्पिटल में जो है वो अचानक आग लगने की वारदात पेश आई है, जिसके बाद फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट की गाड़ियों की बात करें तो वो इस समय यहाँ पर मौजूद और हर किसी में यहाँ पर डर का माहौल क्या आखिरकार किस तरह से आग यहाँ पर लगी है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक यहां पर आग को काबू पा लिया गया है। सल्यूट करना होगा हमारे फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट के इन जवानों को जो मौके पर यहां पर पहुंचे हैं और जिन्होंने आग पर यहां पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह फिलहाल जो है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन अंदर रखा गया जो भी स्टोर में सामान था वो जलकर जो है वो राख हो गया है। लेकिन गनीमत रही है कि कोई भी किसी तरह का जानी नुकसान जो है वो इस पूरी वारदात में नहीं हुआ है अब तक। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर रखा गया जितना भी सामान था वो पूरे तरीके से जलकर राख है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। लेकिन अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका माने तो उनका ये कहना है कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आप सब लोग भी फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट के इन जवानों को सैल्यूट जरूर कीजिएगा जो दिन रात जो है वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और जब जब इस तरह की कोई आफत आती है तो ये हमेशा जो है वो आगे आते हैं और इस तरह की आग को जो है वो बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी पूरे हॉस्पिटल में यहाँ पर धुआं ही धुआं यहाँ पर है और जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन गया। लेकिन ऐसे में मौके पर जो है वो दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। सर कैसे आग लगी कुछ पता है? सर्किट जो कमरा है हमारा जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन का कमरा है वहाँ पर बैटरीज रखी थी और उसने इन्वर्टर रखे थे जो रिपेयर किए थे, कुछ एक बैटरी लगी हुई है इन्वर्टर जो हमारे वार्ड को सप्लाई करता है, ये मुमकिन है उसने भी आग, क्योंकि एक ही रूम कमरे में आग लगी और बाहर नहीं गया है। बाकी धुआं धुआं था, कोई कैजुअल्टी नहीं, किसी पेशेंट के साथ कुछ नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने सारा धुआं के बने, हम लोग अभी ऑब्जर्वेशन में रखे हैं सबको, तो हम भी यहीं पर हैं अभी, सब ठीक है, एवरीथिंग इज कंट्रोल।